साथियों, हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। यहां भी देखिए, भांति भांति के पहनाव, और देखते ही पता चलता है ये वहां से होंगे, वो यहां से होंगे, वो इस इलाके से आए होंगे। यानी हमारी एक विविधता हमारी पहचान है, और एक प्रकार से हमारी विविधता को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है। और ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक, परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए, इसका संकलन किया जाए। आज भारतीय वस्त्र शिल्प कोष के रूप में ये आज मेरा वो आग्रह यहां फलीभूत हुआ देख करके मुझे विशेष आनंद हो रहा है। साथियों, ये भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में, वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। साथियों, 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000-30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। पिछले 9 वर्षों में ये जो अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर में आए हैं, ये पैसा कहां पहुंचा है? ये पैसा मेरे हथकरघा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है। ये पैसा गांवों में गया है।
ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और जब राखी के त्योहार में, रक्षा के उस पर्व में मेरी बहन जो मुझे राखी बांधती है, तो मैं तो रक्षा की बात करता हूं, लेकिन मैं अगर उसको उपहार में किसी गरीब मां से हाथ से बनी हुई चीज देता हूं, तो उस मां की रक्षा भी मैं करता हूं।